बालों को सुंदर, काला, घना और जड़ों से मजबूत बनाने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बालों की सही तरीके से देखभाल की जाए। यदि आप किसी घरेलू उपाय के द्वारा बालों की देखभाल करना चाहते हैं, बालों को स्वस्थ और सुंदर बनाना चाहते हैं, तो इसकी प्लेलिस्ट मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है, वहाँ से जा करके आप इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि घरेलू उपाय के द्वारा बालों को किस तरह से सुंदर, काला, घना और मजबूत बनाया जा सकता है। इसके साथ ही यदि ये सब करने का आपके पास समय नहीं है, आप किसी DIY को बना करके नहीं लगा सकते हैं, तो ऐसे में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसा रेडीमेड सॉल्यूशन, जिनका उपयोग करके भी आप अपने बालों को काला, घना और जड़ों से मजबूत बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस बैरागी हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल पर। मैं हूँ शालू और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ऐसे हेयर केयर प्रोडक्ट जो आपके बालों का झड़ना भी रोकेंगे, साथ ही आपके बालों की ड्राइनेस, डलनेस को दूर करके आपके बालों को सिल्की, शाइनी और स्मूथ बनाने में मदद करेंगे। तो आइए जानते हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में। और ये सारे प्रोडक्ट हैं ई मेगा मार्ट से, जिनकी बाय लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है। तो सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट आ जाता है ई मेगा मार्ट का एच वास कैफेन शैम्पू, जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और बालों के झड़ने की समस्या को भी कम करता है, क्योंकि दूसरे शैम्पू कम क्वांटिटी का इस्तेमाल करने पर ही बहुत ही ज़्यादा झागदार होते हैं और इस वजह से हमारे बाल और हमारा स्कैल्प ड्राई हो जाता है। लेकिन इस शैम्पू की यही अच्छी खासियत है कि आप इसकी कम भी क्वांटिटी इस्तेमाल करेंगे या ज़्यादा भी इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके बालों को ड्राई और डैमेज बिल्कुल भी नहीं करेगा। और हमारा दूसरा प्रोडक्ट है ट्राइकोज इंटेंसिव हेयर केयर सीरम। सीरम का काम बालों में क्या होता है, इस बात को तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, क्योंकि वैसे भी आप कोई ना कोई हेयर सीरम का इस्तेमाल करते ही होंगे। सीरम जो कि शैम्पू करने के बाद उलझे हुए बालों को सुलझाने का काम करता है। यदि आप शैम्पू करने के बाद डायरेक्ट कंघी करते हैं तो ऐसे में हमारे बाल जड़ों से कमज़ोर होते हैं और ज़्यादा मात्रा में टूटने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप हेयर सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बालों को स्मूथली कॉम्ब करने का काम करता है, बालों को टेंगल फ्री बनाने का काम करता है, जिससे कि आपके बाल टूटते नहीं हैं। क्योंकि लंबे बालों के साथ ये प्रॉब्लम तो हमें फेस करना ही होती है कि बाल फटाफट से सुलझते नहीं हैं और सूखते भी नहीं हैं। यदि आप बालों को फटाफट से सुखाना चाहती है, टेंगल फ्री करना चाहती है, तो ऐसे में आप ट्राइको सीरम का इस्तेमाल कर सकती हैं, जिससे कि दो मुँह बालों की समस्या भी नहीं होगी और आपके बाल फटाफट से सुलझ जाएंगे। और हमारा तीसरा प्रोडक्ट है फॉलिगन हेयर लोशन। फॉलिगन हेयर लोशन महिला और पुरुषों में होने वाले पैटर्न बाल्डनेस, पेच हेयर लॉस की समस्या को दूर कर हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है। इसका यूज आप कम से कम 1 से 2 महीने तक लगातार कर सकते हैं। पेच हेयर लॉस वो होता है जिनमें हमारे सिर पर से एक ही जगह से एक साथ कई सारे बाल झड़ने लगते हैं, या यूं कहे कि सिर के ऊपर एक तरह की रिंग बन जाती है और उस जगह से हेयर लॉस पूरी तरह से हो जाता है। ये समस्या फीमेल में कम और मेल में ज़्यादा दिखाई देती है। अगर आप भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में आप फॉलिगन हेयर लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं फॉलिगन हेयर लोशन का इस्तेमाल आपको किस तरह से करना चाहिए। यह लोशन कुछ इस तरह के पैक में आता है, साथ ही इसके साथ ये ड्रॉपर भी दे रखा है जिसकी मदद से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल आपको ड्रॉप वाइज करना है और बहुत ही कम क्वांटिटी में करना है। जहां पर भी आपको हेयर लॉस की समस्या है या जहां पर आपके पेचेस बने हुए हैं, उस जगह पर आपको इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेना है और हल्के हल्के हाथों से रब करना है। याद रखें कि आपको रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। जब तक यह बालों की जड़ों में अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए, तब तक आप इसे हल्के हल्के हाथों से उस जगह पर लगाते रहें। इसका यूज़ करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें, बालों का जो स्कैल्प है वो एकदम सूखा, साफ और क्लीन होना चाहिए। ऐसे में ही आपको इस लोशन का इस्तेमाल करना है। इसे आप अपने बालों की जड़ों में लगाकर कम से कम 6 से 8 घंटे तक रख सकते हैं। इसके बाद आप नॉर्मल वाटर से बालों को वॉश कर सकते हैं। यदि आप इन सभी प्रोडक्ट की क्वांटिटी और प्राइस जानना चाहते हैं तो इन सभी की लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है, आप इसे वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप इन्हें परचेस करना चाहते हैं तो इन्हें ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। इस तरह के हेयर लोशन या क्रीम का इस्तेमाल जब भी आप हेयर फॉल या हेयर ट्रीटमेंट के लिए करते हैं तो इस्तेमाल करने के बाद आप इस बात का ध्यान रखें कि इन्हें अच्छे से पैक करके रखें। आपका जो भी कंटेनर है या जो भी पैक है उसे अच्छे से टाइट बंद करके रखें। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो हमेशा और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।